हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर लॉर्डशिप्स। योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जो मैं विषय आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो धर्म, आस्था और कानून, तीनों का मिश्रण है। जो विषय है वो है राम मंदिर का बनना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से और उसकी प्राण प्रतिष्ठा। सुप्रीम कोर्ट में ये केस आता है, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच, जस्टिस रंजन गोगोई उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो इस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो भी उस समय उस बेंच का हिस्सा थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर। इन 5 जजेस की बेंच ने इस केस को सुना। 40 दिन तक इसकी लगातार हियरिंग चली। इसमें जो मेन एडवोकेट थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से डॉक्टर राजीव धवन और हिंदू पक्ष की तरफ से आर के जैन और सी एस वैद्यनाथन। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी सीनियर एडवोकेट्स और एडवोकेट्स इसमें थे, लेकिन ये मेन थे जिन्होंने पक्ष रखा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे अगर आप पेज नंबर 905 पे जाएं, 905 जो उनका पेज नंबर है, तो उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसकी जो फाइंडिंग्स थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है। तो मैं बहुत ब्रीफली आपको बताता हूं फाइंडिंग्स क्या थी। जो रिपोर्ट आई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही कि हमारी रिपोर्ट में एक चीज मिलती है, ट्रेसेस ऑफ सक्सेसिव सिविलाइजेशन नॉर्थ ब्लॉक पॉलिस ट्रेसिएबल टू 2nd century BC। वो कहते हैं कि सक्सेसिव सिविलाइजेशन, बहुत सारी सभ्यताओं की, अलग अलग सभ्यताओं का उसमें ट्रेस मिलता है, प्रमाण मिलता है, और वो 2nd शताब्दी 2nd century से रिलेट कर रहा है। अब यहां पॉइंट क्या है, बाबरी मस्जिद ये माना जा रहा है कि 1528 में बनाई गई, बिल्ट की गई, बना, लेकिन यहां पे जो उसके स्ट्रक्चर्स मिले जब उसकी खुदाई की गई, उसमें जो प्रूफ्स मिल रहे हैं एक्सकेवेशंस के बाद जो चीजें मिल रही हैं, वो 2nd शताब्दी से निकल रही हैं। तो इसका मतलब कोई ना कोई स्ट्रक्चर पहले था वहां पे, क्योंकि ये तो 1526 में पानीपत हुआ और 1528 में बाबर ने ये मस्जिद मीर बाकी को बोल के बनवाई, ये प्रमाण है मुस्लिम की तरफ से। तो ये जो 2nd century वाले स्ट्रक्चर्स थे वो कहां से आ गए। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया, एक्सकेवेशन बाय ASI रिवील्ड एग्जिस्टेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर डेटिंग बैक टू द 12th century। वो कहते हैं 85 पिलर जो 17 रो में 17 लाइन से थे, मींस एक लाइन में 5 पिलर, तो इस तरह के 17 लाइन थी जिसके 85 पिलर्स हैं जो 12वीं century से रिलेट करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब ये पुराने स्ट्रक्चर का था, क्योंकि अगेन ये 1528 में बना। वो कहते हैं जो नेचर ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर था, जो खुदाई में स्ट्रक्चर मिला, नेचर ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर इंडिकेटेड टू बी हिंदू रिलीजियस ओरिजिन ऑफ 12th century। कहते हैं जिस तरह का वो स्ट्रक्चर मिला है, जिस तरह की कलाकृतियां हैं, जो उस पर लेख हैं और जो चीजें मिली हैं, वो ये दर्शाती हैं कि ये जो चीजें थी वो हिंदू वे ऑफ वर्शिप, जो पूजा अर्चना वाला वर्शिप होता है, 12वीं शताब्दी में जिस तरह से होते थे उस तरह के हैं। वो बोलते हैं मॉस्क इन डिस्प्यूट वॉज कंस्ट्रक्टेड अपॉन द फाउंडेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहते हैं ये जो मस्जिद बनी है वो एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, पहले से कोई स्ट्रक्चर था उस पे बनाया गया है। तो इसका मतलब ये चीज प्रूव होती है कि पहले वहां पे कोई स्ट्रक्चर था, ये पूरी प्लेन लैंड नहीं थी जिस पे ये मस्जिद बनी, ये कोई नॉर्मल लैंड नहीं थी जिस पे मस्जिद बनी, और भी बहुत सारे उसमें फैक्चुअल चीजें हैं, बहुत सारी सुनी सुनाई भी बातें हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। उसके बाद उनकी एक फाइंडिंग आती है कि जो लेयर्ड एक्सकेवेशन थी, जो सतही जो इन्होंने खुदाई की सतह वाइज सतह, उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ श्राइन विद मकारा प्रणाला मिलता है। श्राइन मतलब जहां पे लोग बैठ के पूजा पाठ करते हैं, श्राइन मतलब जो एक रिलीजियस एंटिटी होती है, और मकारा प्रणाला जो कि एक हिंदू वर्शिप है, 8th century का एक तरीका है, वहां पे बैठ के लोग पूजा करते हैं, 8वीं शताब्दी का, वो मिलता है।
तो फिर से वो डिस्प्यूट आता है कि इसका मतलब पहले कोई एग्जिस्टिंग वहां पे स्ट्रक्चर था। इसके बाद कोर्ट जो ऑब्जर्व करती है, कोर्ट दो बहुत ही फेमस जो ट्रेवलर्स थे, टिफेंथलर और मॉन्टेगो मैरी मार्टिन, जिन्होंने 17th और 18th सेंचुरी में इंडिया को ट्रेवल किया, तो इनकी फाइंडिंग्स आती है। और इनकी जो चार मेजर फाइंडिंग्स थी, उन्होंने जो दिया, जो एक प्रूव्ड लिटरेचर में, जो एक प्रूव्ड वे है, उन्होंने एविडेंस दिया कि इस टाइम पे हिंदू फेथ का एग्जिस्टेंस था डिस्प्यूटेड साइट्स पे। मींस हिंदूज जो थे वहां पे पूजा पाठ करते थे, तो जब वो ट्रेवल करने आए, वो अयोध्या ट्रेवल किए, तो उन्होंने देखा, और भी बहुत सारे ट्रेवलर्स आए, बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन जो मेन दो जिन पे रिलाई किया गया कि हिंदू जो साइट थे वो वहां पे पूजा करते थे अयोध्या में उस टाइम पे, उन्होंने सीता रसोई, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, सीता रसोई, स्वर्ग द्वार और बेदी, जो एक छोटे बच्चे की बेदी होती है, उन्होंने ये भी लिखा कि ये सिंबल था लॉर्ड राम के बर्थ का, यहां पे वो भी यहां पे वो लिखते हैं, मेंशन करते हैं। वर्शिप बाय पिलग्रिम्स एट डिस्प्यूटेड साइट इंक्लूडिंग परिक्रमा एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशंस, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान ये भी लिखा है कि उन्होंने ये देखा कि वहां पे सेलिब्रेशंस होते थे, बहुत बड़े संख्या में लोग वहां जुटते थे, पिलग्रिम्स होती थी, तीर्थयात्राएं होती थी। ये भी इस तरह का प्रमाण है कि वहां पे हिंदूज बिलीफ जो थे, जो हिंदू थे उनका बिलीफ, उनकी पूजा वहां चलती थी। और उन्होंने लिखा हिस्टोरिकल प्रेजेंस ऑफ वर्शिपर्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्शिप एट द डिस्प्यूटेड साइट, उन्होंने कहा कि जो हिंदू लोग थे उस तरह की वर्शिप का एग्जिस्टेंस उस साइट पे मिलता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के जो कोर्ट ऑब्जर्व करती है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो ऑब्जर्व करती है, वो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट का पहला कहना होता है कि सिर्फ किसी के लिखी हुई चीजें पे या कही हुई चीजों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत सारी चीजों पे विश्वास कोर्ट ने नहीं किया, या सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे ये जजमेंट नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा मुकदमा था वो मुकदमा था कि ये साइट किसकी है, एक टाइटल डिक्लेरेशन की, कि ये हिंदुओं की जगह है या ये मुस्लिमों की जगह है, ये जगह की बात हो रही है। तो कोर्ट ने जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन किया वो क्या किया, कोर्ट कहता है कि एविडेंस इंडिकेटिंग बोथ द बिलीव्स, वर्शिप, प्रेयर एंड इवन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉस्क डिड नॉट शेक द फेथ एंड बिलीफ ऑफ हिंदू दैट लॉर्ड राम वॉज बॉर्न एट द प्लेस। वो कहते हैं ये जो मॉस्क का फिजिकल स्ट्रक्चर है और एविडेंसेस, ये इंडिकेट करते हैं कि मस्जिद होने के बाद भी उस साइट पे हिंदुओं के बिलीफ को हिलाया नहीं गया, वो हमेशा और लगातार वहां पे पूजा करते रहे, इस चीज की, इस धारणा के साथ कि वो लॉर्ड राम, भगवान राम का जन्म स्थान है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि सेटिंग अप ऑफ रेलिंग बाय ब्रिटिश ऑल्सो शोज दैट हिंदू वर्शिप वॉज देयर। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब वहां विवाद हुआ था 1853 वाला और उसके बाद 1859 में जो उन्होंने फेंसिंग की, जो चार दीवारी बनाई, इसका मतलब एक चीज और प्रूव होता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह की वर्शिप वहां पे थी, सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुस्लिम नहीं थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्व करती है, वो कहती है हिंदू वर्शिप एट द आउटर कोर्टयार्ड राम चबूतरा, सीता रसोई एंड प्लेसेस लाइक भंडार क्लियरली इंडिकेट देयर ओपन एक्सक्लूसिव एन अनइम्पीडेड पोजेशन एट द आउटर कोर्टयार्ड। सुप्रीम कोर्ट कहती है एक चीज बहुत क्लियर है, जो राम चबूतरा है, सीता रसोई है या भंडार है, ये सब ये इंडिकेट करते हैं कि बाहर वाला जो एरिया था, आउटर कोर्टयार्ड फेंसिंग का, उसमें तो हिंदूज का एक्सक्लूसिव राइट था, उस पर किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं था, ठीक है। और एक चीज और वो ऑब्जर्व होती है कि जो राम चबूतरा है वो थोड़े से आप देखेंगे तो ऊंचाई पे बना हुआ था, तो हिंदूज ये मानते हैं कि मंदिर के बाहर का जो इलाका होता था वो ऊंचाई पे इसलिए बनाया जाता था ताकि ऊंचाई से हम आराम से मंदिर के अंदर भगवान का दर्शन कर सके, तो ये भी प्रूव होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मुस्लिम कुड नॉट प्रूव दैट दे हैड एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द डिस्प्यूटेड साइड एंड ऑफरिंग ऑफ नमाज एक्सक्लूडिंग हिंदूज। जैसा कि मैंने आपसे बताया, जब से ये प्रमाण मिल रहे हैं तब से ये हो रहा है कि हिंदू और मुस्लिम में इनर कोर्टयार्ड को लेकर के, जो मस्जिद की जगह उसको लेकर के डिस्प्यूट हो रहा है,
और कभी कभी तो ये हाल थी कि मुस्लिम्स को लड़ना पड़ता था वहां जाने के लिए। तो हमेशा से आउटर कोर्ट यार्ड तो पूरी तरह से हिंदू का हुआ, अनइम्पीटेड राइट्स रहे, लेकिन इनर कोर्ट यार्ड में हिंदू और मुस्लिम का विवाद चला। तो ऐसा नहीं था कि मुस्लिम्स का एक्सक्लूसिव राइट वहां पे रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। 1877 में ईस्ट डोर वॉज देयर बट अनदर गेट नॉर्थ गेट, पूर्वी द्वार तो पहले से ही था लेकिन 1877 में जो उत्तरी द्वार था जिसको सिंह द्वार कहते हैं वो ओपन किया गया हिंदूज के लिए। इसका मतलब कि वहां पे हिंदू बिलीफ था, हिंदू बिलीफ के लोग थे, वो जाते थे और उनके लिए दरवाजा बनाया गया। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने वो ये किया, टेस्टमनी ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम विटनेसेस, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों गवाह थे, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों गवाह थे, उन दोनों गवाहों ने ये इंडिकेट किया कि रामनवमी, सावन झूला, कार्तिक पूर्णिमा, परिक्रमा मेला, राम विवाह और बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा उस स्थान पे होता रहा था, जो कि एक पैटर्न बताता है हिंदू वर्शिप का। और ये बात दोनों ने इंडिकेट की, दोनों ने माना, हिंदू गवाहों ने भी और मुस्लिम गवाहों ने भी। मुस्लिम विटनेसेस हैव एक्नॉलेज्ड द प्रेजेंस ऑफ रिलीजियस सिंबल्स लाइक वरा, जय विजय, गरुड़ इन एंड आउट मास। जो मुस्लिम गवाह थे उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया है कि मस्जिद के बाहर कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि वराह का सिंबल था, जय विजय का सिंबल था, गरुड़ का सिंबल था। तो यह भी कहीं ना कहीं प्रूफ ऑफ एक्चुअल वर्शिप, हिंदू वर्शिप का देता है। इस बात से भी बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि वहां पे मस्जिद 16वीं शताब्दी से थी, बिल्कुल थी, वो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, विद इंस्क्रिप्शन ऑफ अल्लाह, ये भी था कि उसमें वहां पे इंस्क्रिप्शंस भी मिले जिसपे अल्लाह लिखा हुआ था, बाबर लिखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1857 के बाद हिंदुओं ने बिना रोक टोक वहां पे पूजा करते रहे और करना जारी रखा, लेकिन ये एविडेंस नहीं है कि मुस्लिम ने भी अपना दावा वहां छोड़ दिया या नमाज अदा करना कभी बंद किया हो, ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं है। मतलब मुस्लिम्स भी अपनी नमाज अदा करते रहे। 1949 के बाद फ्राइडे की नमाज होती थी और बाद में कोर्ट के ऑर्डर से दोनों की एंट्री बंद कर दी गई। अगर आप इस जजमेंट का पेज 914 देखेंगे तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है डिस्प्यूट साइट इज वन कंप्लीट होल एरिया। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश द्वारा की गई जो फेंसिंग थी, उन्होंने कहा फेंसिंग इसीलिए की गई ताकि वो विवाद ना बढ़े, इसका मतलब ये नहीं कि वो दो अलग अलग एरिया हैं, एरिया एक ही है, चाहे ये हिंदू का होगा या मुस्लिम का होगा, लेकिन ये पूरा एरिया एक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना केस एस्टैब्लिश नहीं कर पाई एज अ केस ऑफ डेडिकेशन बाय यूजर्स, लगातार वहां पे उस प्लेस को यूज करने का जो केस था वो सुन्नी वक्फ बोर्ड एस्टैब्लिश नहीं कर पाई। प्ली ऑफ एडवर्स पोजेशन और थ्योरी ऑफ लॉस्ट ग्रांट भी प्रूव नहीं हुई। दो चीजें होती हैं, थ्योरी ऑफ लॉस्ट ग्रांट मतलब अगर कोई एक पक्ष एक चीज को छोड़ दे हमेशा के लिए, जैसे मान लीजिए अगर हिंदू इस पे कभी नहीं आते इस साइट पे और हमेशा से वहां एक मस्जिद रहती और वहां पे प्रार्थना चलती रहती, कभी डिस्प्यूट होता ही नहीं, तो थ्योरी ऑफ लॉस्ट ग्रांट एक लॉस्ट ग्रांट एक थ्योरी है लॉ में, जैसे ये मान लिया जाता है कि कोई जो एक पक्ष है उसने इस चीज को छोड़ दिया है, उसका लॉस्ट, वो लॉस्ट हो गया, अब उसको नहीं चाहिए तो दूसरे पक्ष को वो ग्रांट कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं था, कोर्ट ने कहा हमेशा से ये डिस्प्यूटेड रहा इनर कोर्ट यार्ड हिंदू और मुस्लिम के बीच में, और एडवर्स पोजेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो मुस्लिम्स कभी फुलफिल नहीं कर पाए क्योंकि हमेशा हिंदूज और मुस्लिम्स में डिस्प्यूट चलता रहा। कोर्ट ने फिर ये कहा अपने ऑर्डर में कि हिंदू जो बाहरी क्षेत्र था, आउटर कोर्ट यार्ड था, उसमें अनइम्पीडेड पोजेशन में रहा और कंटिन्यूअसली वर्शिप करता रहा, पूजा अर्चना करता रहा, जबकि इनर कोर्ट यार्ड जो था वो हमेशा से डिस्प्यूटेड रहा। उन्होंने कहा कि ये बात भी सही है कि मस्जिद भी रही, नमाज भी पढ़ी गई,
इस्लामिक स्ट्रक्चर भी था। और 1934, 1949 और 1992 इन तीनों सालों में जो मस्जिद को गिराना और तोड़ने का एक्ट किया गया, दैट वॉज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ एंड इट वॉज नॉट एज पर द वैल्यूज। तो उन्होंने कहा ये रूल ऑफ लॉ के भी अगेंस्ट था, वैल्यूज के भी अगेंस्ट था। और इस पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस एंड द रिलीफ विल बी गिवन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ जस्टिस फैटर्निटी ह्यूमन डिग्निटी एंड द इक्वालिटी ऑफ रिलीजियस बिलीफ। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस इक्विटी और गुड कॉन्शियंस के बेसिस पे न्याय, पूर्ण न्याय करने के लिए इस पूरे मैटर को हम डिसाइड करेंगे। और जो फाइनली उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने अपना ऑर्डर ये दिया सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने, यूनानिमस सभी जजेस ने एक मत होकर के बोला, हिंदूज हैव एस्टैब्लिश्ड अ क्लियर केस ऑफ पजेशन टाइटल इन द आउटसाइड कोर्टयार्ड बाय वर्च्यू ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूड एंड अनइम्पीडेड वर्शिप एट राम चबूतरा। बाहर के क्षेत्र में कोई डिस्प्यूट नहीं है कि ये पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली हिंदूज का एरिया था, अंदर का जो एरिया था वो डिस्प्यूटेड रहा हमेशा। तो ये बात माननी पड़ेगी कि जो बाहर का क्षेत्र है वो पूरी तरह से हिंदुओं का ही था, और कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि ये पूरा जो था वो एक ही एरिया था, या तो ये पूरी तरह से हिंदू का होगा या पूरी तरह से मुस्लिम्स का। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाई कोर्ट ने गलती कहां की इस केस को डिसाइड करने में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो हम पांचों सूट देखेंगे और उनकी प्रेयर्स देखें कि उनकी मांग क्या थी, तो उन सारे पांचों सूट्स में जो मांग थी वो या तो सूट ऑफ टाइटल की थी कि ओनरशिप बताई जाए, डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप की थी, पजेशन के राइट की थी, राइट ऑफ मैनेजमेंट की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने उसका 3 हिस्सा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने जो केस में प्रेयर ही नहीं थी, जो केस में मांगा ही नहीं गया था, वो डिसाइड कर दिया। केस में मांगा जा रहा है, सपोज कीजिए मेरे और आपके बीच में अगर किसी लैंड को लेकर के लड़ाई है, मैं कहता हूं ये मेरी जमीन है और आप कहते हैं ये आपकी जमीन है, तो कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि ये जमीन किसकी है, आपकी या मेरी, ना कि कोर्ट ये कहेगी कि आधी जमीन तुम रखो आधी जमीन तुम रखो। तो ये एक एरर था हाई कोर्ट के जजमेंट में। आप किसी सूट टाइटल में जहां पे ओनरशिप की बात हो रही है, मालिकाना हक की बात हो रही है, पजेशन की बात हो रही है, वहां पे आप जमीन को पार्टीशन नहीं कर सकते, उसको भाग में दे नहीं सकते किसी को, ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं था। हालांकि हाई कोर्ट का ये कहना था कि वो इस डिस्प्यूट को एमिकेबली सॉल्व करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट अडॉप्टेड अ पाथ विच वाज नॉट ओपन टू इट, इट ग्रांटेड अ रिलीफ विच वर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रेयर्स इन द सूट, अज्यूम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पार्टीशन। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को इस केस में ये ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होता है अलग से कोई रिलीफ इस तरह का देने का, हाई कोर्ट के पास नहीं था, लेकिन हाई कोर्ट ने यह गलती की। एक और जो सबसे बड़ी गलती हाई कोर्ट ने की वो क्या की, हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो सूट नंबर 3 था, जो निर्मोही अखाड़ा ने सूट डाला था, उसमें निर्मोही अखाड़े की प्रेयर क्या थी, निर्मोही अखाड़े की प्रेयर, निर्मोही अखाड़े ने ओनरशिप नहीं मांगी थी, पजेशन नहीं मांगा था, उन्होंने कहा था हमें मैनेजमेंट जो पूजा अर्चना होगी उसके रख रखाव का अधिकार दीजिए, और आपने उनको 1/3 पूरी लैंड दे दी उसमें से, जो उन्होंने मांगा ही नहीं आपने उनको दे दिया। तो यह भी एक गलती थी हाई कोर्ट के पार्ट पे, और इसीलिए इन दोनों पार्ट को वापस से सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। और पेज आप पैरा 797 जो है इस जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट 1045 पन्नों का है, इसमें जो पैरा है पैरा 797, उसमें सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि आउटर कोर्ट यार्ड जो है वो पूरी तरह से उस पर हिंदुओं का जो पोजीशन है वो एस्टैब्लिश होता है, इनर कोर्टयार्ड जो है वो हमेशा से डिस्प्यूटेड रहा, जो मस्जिद का एरिया था जहाँ पे रामलला विराजमान पाए गए जैसे कहा गया प्रकट हुए, वो हमेशा से डिस्प्यूटेड एरिया रहा, एंड मुस्लिम फेल्ड टू प्रूव देयर एक्सक्लूसिव पोजीशन एंड अनइम्पीडेड एक्सेस टू मॉस्क फॉर ऑफरिंग नमाज। ये प्रमाण नहीं है कि मुस्लिम्स बिना रुके टुके बिना किसी विवाद के अंदर जो है वो नमाज अदा करते रहे या अंदर ही नमाज अदा करते रहे, ये मुस्लिम पक्ष इसको प्रूव नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने कहा कि ये बंटवारा गलत था। हालांकि जो सूट नंबर
टू और सूट नंबर फोर था वो टाइम बार्ड हो गया था। टाइम बार्ड मतलब जो डिस्प्यूट था उसके समय सीमा के बाहर आपने फाइल किया था, वो बहुत लीगैलिटी वाली चीजें हैं। लेकिन सूट नंबर फोर को, सूट नंबर फोर जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फाइल किया था उसको पार्टली अलाउ किया, आधी तरह से उसको अलाउ किया, और भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 142 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर होती है टू डू कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट न्याय करने के लिए जो नहीं भी मांगा गया है उसको भी दे सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है आर्टिकल 142 की। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो विवादित साइट थी इसको इन फेवर ऑफ रामलला विराजमान उनको दिया, और आर्टिकल 142 यूज करके ये कहा कि मुस्लिम पक्ष के लिए सूट नंबर फोर को आधी तरह से अलाउ करते हुए 5 एकड़ की जमीन दी जाए। सो टू पॉइंट पूरा 1500 स्क्वायर यार्ड का एरिया था, 2.7 एकरस जो डिस्प्यूटेड साइट था वो डिसाइड हुआ इन फेवर ऑफ दी पार्टीज ऑफ फिफ्थ सूट, दैट इज रामलला विराजमान एंड अस्थान राम जन्मभूमि। और यह भी आदेश दिया गया कि 5 एकड़ की जमीन वो मस्जिद बनाने के लिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अक्वायर करके दे या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अक्वायर करके दी, और वो दे भी दिया गया उन्हें साइट पे। आर्टिकल 142 यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े को मैनेजमेंट में राइट देने का भी ऑर्डर किया, और जैसा कि हम जानते हैं ये जो जजमेंट आया वो 9th नवंबर 2019 को आया, 5 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अगर हम याद करें जो के नायर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे जिन्होंने ये सजेशन दिया था कि ये मामला कोर्ट के थ्रू सुलझाया जाए, तो कोर्ट ने, हमारी एपेक्स कोर्ट ने, सबसे बड़ी कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को सुलझाया, इस मामले में जजमेंट दिया, और 5 अगस्त 2020 को रामलला जो मंदिर था जो डिस्प्यूट ये सॉल्व हुआ उसका फाउंडेशन स्टोन किया गया, शिलान्यास हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया था कि ये जो मंदिर का एरिया है ये सारा कुछ गवर्न करेगा एक ट्रस्ट, तो एक ट्रस्ट भी बनाया गवर्नमेंट ने जिसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। 5 अगस्त 2020 को इसका फाउंडेशन स्टोन होता है, शिलान्यास होता है। अगर पूरी तरह से अब हम प्रांगण को देखें तो बहुत बड़ा प्रांगण है, 2.7 एकर्स में मेन टेम्पल बना है आपका जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है, गर्भगृह है, इसी में श्री राम जी की मूर्ति स्थापित हुई है। इसके अलावा मंदिर में और भी छोटे छोटे 7 तरह के मंदिर रहेंगे जिसमें भगवान गणेश, भगवान शिव, गुरु वशिष्ठ और भी 3-4 लोगों के वहां पे मंदिर बनने हैं। इस मंदिर के जो मुख्य महंत बने वो बने हैं महंत आचार्य सत्येंद्र दास जी, और अभी हाल ही में एक महंत चुने गए हैं जिनका नाम है महंत मोहित पांडे। 22 जनवरी 2024 को यहां पे 12:15 से लेकर के 12:45 के बीच 85 सेकंड का एक मुहूर्त है जिसमें इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जो भी भगवान होते हैं हिंदूज में, हिंदू वे ऑफ वर्शिप में, उनमें एक डिवाइन इसेंस लाया जाता है, उनको एक लिविंग गॉड की तरह माना जाता है, जीवित भगवान माने जाते हैं हमारे यहाँ, इसीलिए हम पूजा अर्चना करते हैं, पर्दा लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उनको रात में उनको सुलाते हैं, बंद करते हैं मंदिर। तो वो प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 जनवरी 2024 को की जाएगी, और इसके लिए ट्रस्ट ने जो मेन जजमान है जिनको ये पूजा करनी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी है, जो ट्रस्ट ने उन्हें इस चीज की जिम्मेदारी दी है। तो 22 जनवरी 2024 को फाइनली उस साइट पे, उस डिस्प्यूटेड साइट पे राम मंदिर बना और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो ये पूरी जर्नी जो मैंने आपको प्रमाणों के बेसिस पे बताया 5th सेंचुरी से शुरू हुई, मेन डिस्प्यूट जो शुरू हुआ वो 1528 से शुरू हुआ, 1528 से लेकर के 22 जनवरी 2024 तक का सफर इस तरह से रहा। अगर इसमें आपको कोई भी चीज होती है जो आपको लगता है कि किसी प्रमाण से आनी चाहिए तो
तो आप सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट रेफर कर सकते हैं 945 पन्नों का। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।